आकर दो जहां जानवरों पर भी रहम और शफकत करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम जा रहे थे, उन्हें एक आवाज आई, या रसूलल्लाह। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें कोई नहीं नजर आया। उनको फिर आवाज आई, या रसूलल्लाह। उन्होंने देखा तो एक हिरनी गले में रस्सी चार पैर के साथ बांधी हुई वो पुकार रही थी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए तो हिरनी ने बोला, आपके सहाबी मुझे पकड़ के ले आए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भूखे हैं। आप मुझे जाने दें तो मैं उन्हें दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। हमारे प्यारे नबी ने पूछा, अगर तुम ना आई तो हिन्नी ने कहा, अगर मैं ना आई तो अल्लाह मुझे जहन्नम में डाल दे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसकी रस्सी खोल दी तो हिरनी भाग के पहाड़ों में गुम हो गई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद हिरनी वापस आ गई। हमारे प्यारे नबी ने उसकी रस्सी उसको फिर बांध लिया और उधर ही बैठ गए। जब सहाबी आए तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये हिरनी मुझे हदिया दे दें। तो सहाबी ने हदिया उसको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरनी की रस्सी खोल दी और कहा, तुम जाओ अपने बच्चे पास जाओ।